हाल मेरा तू जाने है रब्बा, दर्द सी जिंदगी है क्यों, सांसें हुई जैसे एक इंतहा, ढलती न गम की रातें क्यों, गुजरी जो मुझ पे है कैसे करूं अब बयां, क्यों कैद में है मोहब्बत का हर एक निशान, गुजरी जो मुझ पे है कैसे करूं अब बयां, क्यों कैद में है मोहब्बत का हर एक निशान। हेलो, मुझे अंदाजा नहीं था मेरी होने के लिए मुझसे ज्यादा बेताब हो रही हो तुम। खैर फिक्र मत करो, तुम्हारा इंतजार खत्म कर देता हूं, मैं और मामा कल आ रहे हैं। और इस बार अंकल से कहना कि सिर्फ चाय पीकर नहीं जाए, उनकी सबसे कीमती चीज लेकर जाए। लो, खुद ही तो आपने दावत दी थी और अब आप पूछ रहे हैं कौन। तुम किसकी बात कर रही हो? अच्छा अच्छा अच्छा, वो लड़का जो उस दिन अपनी रेहाम को छोड़ने आया था, क्या भला सनाम, आशिर। हाँ आशिर, देखो भूल गया मैं। हाँ मैंने खुद ही उसे बुलाया था, उसका फोन आया था, रेहाम तो उससे मना कर रही थी। मैंने उसे कहा कि अपने पहले बाबा से पूछ लो। नहीं नहीं, मना करना बुरी बात हो जाएगी, और वैसे भी मेहमान खुदा की रहमत होता है, और मैंने खुद तो कहा था उसे आने को। कितने बजे आ रहे हैं बोलो? 6 बजे। 6 बजे, ठीक है। उनकी अच्छे से खातिर मदारात करनी है, बाहर से अगर कुछ मंगवाना है तो मुझे बताओ, मैं ले आऊं। नहीं नहीं, सब कुछ घर में है। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। है खुदा हाफिज। थैंक यू अम्मा। जीती रहो मेरी जान, आप खुश हो? भाईजान, ये फैसला इतनी जल्दी में तो नहीं हो सकता, पहले मुझे जरा रेहाम से उसकी मर्जी मालूम कर लेने दे। रेहाम की मर्जी? बरकत, आज तक खानदान में बच्चियों के सारे फैसले बड़ों ने किए। वो तो ठीक है भाईजान, लेकिन मेरी रेहाम और खानदान की दूसरी बच्चियों में फर्क है, वो तालीम याफ्ता है इसलिए उसकी मर्जी। अरे तुम कहना क्या चाह रहे हो बरकत, क्या हमारी बच्चियां जाहिल हैं? नहीं नहीं भाभी, इनका ये मतलब हरगिज नहीं था। आप सब समझ रहे हो तुम लोगों के मतलब, यूनिवर्सिटी के अंदर रेहाम ने किसी को पसंद कर लिया होगा, इसलिए तुम आज ये बातें कर रहे हो। भाईजान, मेरी रेहाम ऐसी नहीं है, वो यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने गई थी। लड़कियां सिर्फ तालीम हासिल करने के लिए नहीं जाती हैं, मोहब्बत के नाम पे ऊंचे घराने के रिश्ते भी ढूंढ लेती हैं। बस करें भाभी, मेरी रेहाम ऐसी नहीं। अरे तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ गया? मैंने तो रेहाम का नाम तक नहीं लिया, तुम्हारे ही दिल में चोर होगा। अगर ऐसा नहीं है
तो फिर कर दो रेहम और मुनीर की शादी। लेकिन एक बात याद रखना बरकत, अगर रेहम ने अपनी पसंद के किसी लड़के से शादी की तो बरादरी में सारा मरना जीना खत्म करवा दूंगा तुम्हारा। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे तुम। बहुत आन वाला हूं मैं भाई साहब, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा, और जिस दिन ये भरोसा टूटा हो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा की कसम मैं खुद अपनी गर्दन पर छुरी फेर लूंगा। अपनी कसम पे कायम रहना बरकत, कायम रहना। चलो परवीन। आप अभी दवा में दाखिल नहीं होना चाहिए। नहीं कर, खैर से जाओ। प्रॉमिस याद है ना? जी। यहाँ रुकता भी तो किसके लिए रुकता? तुमने तो दिल तोड़ दिया ना उसका। मैंने कई बार उसको कॉल भी की, उसने उठाया ही नहीं। तुमसे बात हुई है क्या? नहीं, बात करने के लिए बचाए क्या है? तुमने बहुत जल्दी हथियार डाल दिए रेहम। अगर तुम चाहती तो मेरे पास हथियार डालने के अलावा कोई चारा नहीं था सबूर। फर्स्ट लाइन में था भी कौन? एक तरफ आशिर और दूसरी तरफ अब्बा। उनमें से जीत किसी की भी होती, हार मेरी ही थी। अच्छा, अब तुम डिसहार्ट मत हो, वक्त के साथ शायद कुछ मामला ठीक हो जाए। मैंने फैसल से कहा है कि आशिर से बात करें, आई होप कोई हल निकल आए। नहीं सबूर, आशिर से कोई बात नहीं करेगा, तुम भी नहीं, फैसल भी नहीं, कोई भी नहीं। कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं सही होगा। अब हमारी किस्मत में यही लिखा था। I wish I could help. तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली है ना? मैं खानदानी रिवायात से बंधी हूँ सबूर, और जैसे लोगों के लिए कोशिश नहीं दुआ की जाती है। तन मन साड़ सवा कर डालन, हिजर दिया तासीरा। ये हो गया, अम्मा सुबह सुबह उठा दिया। ऐसे भी रात को इतनी देर से सोया था मैं। तुम्हारे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, जाके दुकान संभालो, उन्हें मैंने बड़ी मुश्किल से रोका है। क्या आप आराम करें, अहमद जाके देख लेगा। क्या हुआ अब्बा को? होना क्या है, वही तुम्हारे ताया ताई जो हंगामा खड़ा करके गए, तब से ब्लड प्रेशर हाई हुआ हुआ है। मतलब ताया ताई हंगामा करके चले गए और आपने मुझे बताया भी नहीं? तुम घर में रुको तो तुम्हें किसी बात का पता चले ना। अब बैठ कहाँ रहे हो? जाओ जाके तैयार हो, मैं तुम्हारे नाश्ता बना दियो। जाओ। रेहा, उस लड़के को समझा दो कि वो यहां अब नहीं आएगा, चला गया हमेशा के लिए मुल्क छोड़ के। मैं जरा अब्बा को देख लूं। I can't believe these are his results. I know Sophia, this is Adan's result. सिर्फ एक सब्जेक्ट क्लियर किया है, वो भी पासिंग मार्क्स के साथ। It's not that he is not smart or inefficient, but I think he gets distracted and loses focus. He really needs someone to make him sit down and study. अब्बा आप फिक्र नहीं करें, मैंने किसी कंपनी में नहीं अप्लाई किया, टीचिंग के लिए अप्लाई किया है। बेटा जरूर करो, करो जॉब,
और बच्चों को पढ़ाना तो बहुत अच्छी बात है। और देखो, परेशान बिल्कुल नहीं होना अगर कोई कुछ कहे। मैं संभाल लूंगा, मैं जिंदा हूं, तुम्हें मेरी तरफ से इजाजत है बेटा। चलो, बाप बेटी एक हो गए और मैं पराई हो गई। अम्मा जाने दो बेटा, मैं संभाल लूंगा, कहने दो जो कहते। हेलो, हाँ जी, या कैन यू होल्ड ऑन फॉर अ मिनट प्लीज। जी आप मुझे उनका नंबर लिखवा दें। जी मैं अभी फोन कर लेती हूँ उन्हें। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। यार नंबर ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा यार। तू हमेशा ऐसे ही करता। सिगरेट फेंक दे, भाभी आ रही। बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी क्लियर वन थिंग। अगर आप यहाँ पे ये सोच कर आए कि मुझे डांटेंगे और सख्ती करेंगे तो अभी इसी वक्त वापस चले जाएं। अतन, डोंट वरी, ना ही मैं आपको डांटूंगी और ना ही कोई पनिशमेंट दूंगी। I'm sorry, I thought koi... It's okay. बैठो, मैं चाय भिजवा दूँ। Hi, I'm Adan. Rehan. Sit down. बीच गली में खड़े होकर मुझसे कह रहे हैं कि चाचा की कमाई क्या कम पड़ गई थी जो ये रेहम जा रही है बाहर कमाने के लिए। मैंने कहा था ना आपसे, अब शाम को भाईजन घर आके करामा जाएंगे। मेरी इजाजत से गई है वो, मैं बाप हूं उसका। तुम तो चुप करो, बोलने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी गैरत मुनीर के एक ताने से तो जाग गई, लेकिन तुम्हें इस बात पे शर्म ना आई कि तुम्हारे होते हुए रेहम को क्यों मेरा हाथ बटाने की जरूरत पेश आ गई। पहले अपने आप को तो इस काबिल करो कि उसे फख्र और मान के साथ घर बिठा सको। सबसे ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा लगता है? हम उसी की रिवीजन से स्टार्ट करेंगे। रिवीजन? मैंने तो अब तक सिलेबस भी कवर नहीं किया और आप रिवीजन की बात कर रही हैं। लिसन, अगर आपको अपना टीचिंग करियर खराब नहीं करना देन यू शुड लीव। इट्स एन ऑनेस्ट एडवाइस, क्योंकि मैं पास नहीं हो पाऊंगा। And what if I say I like challenges? जब हारने का डर हो ना, तो जीतने का उतना ही मजा आता है। Subject? Accounting. अरे गज भर की जबान है उसकी। ओ भाई क्यों ना हो, बाप ने शहजो दे रखी है इतनी। अब्बा, वैसे आपने हल्का हाथ रखा हुआ है चाचा पे। आप बड़े हैं, उनके क्या मजाल के रिश्ते से इनकार करें? वो तो क्या पैरों में पड़ जाऊं उसके तेरे लिए? बार बार बेइज्जती कराने के लिए नहीं जाऊंगा मैं। चुप करके बैठा रहे। अम्मा देख लो, बात कर लो इनसे, नहीं तो मैं पूछ पूछ जाऊंगा छत के ऊपर से। आए मुनीर, आए मेरा बच्चा। वो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ था इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। अच्छा, दोस्त तो खैर हम भी हैं, राइट? अच्छा होगा अगर कल से ये वक्त हम साथ गुजारे। मैं अपने फ्रेंड के साथ स्टडी नहीं करता। अच्छा, मगर कुछ फ्रेंड्स डिफरेंट भी तो होते हैं ना। मुझे ये सब बोरिंग लगता है। ठीक है, आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि आपको ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगे। ओके, मैं बुक्स लेके आता हूँ। ओके। Thank you.
मन दे पुरजे कर दे जिमें कर दर्जी लीरा मन नू रोक ना सकदा कोई पावे कोई लख पावे जंजीरा इश्क दैन जे समझे होंदा लड़दा नाल न तकदीरा शीन का पुजड़ा इब्बे वक्त की बारिश भी ना सिर्फ तबीयत की खराबियां लाती। एक दिन की छुट्टी कर लेती क्या हरज हो जाता ऐसा पढ़ाई का। कमाल है तुम्हारा भी, बारिश तो निरी बीमारियां ही देती है। Thank you.